ये स्कूल लव स्टोरी है वीवे और सीचोंग की। सीचोंग जहाँ स्कूल का मोस्ट हैंडसम फेमस बॉय है और स्विमिंग में तो वो टॉप स्टार है, वहीं वीवे देखने में तो ऑर्डिनरी सी क्यूट गर्ल है, बट उसका एक सीक्रेट है कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं और वो अपने इलेक्ट्रिक शॉक से किसी को भी लव करा सकती है। तो इन दोनों की क्यूट सी लव स्टोरी देखने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीवे लाइब्रेरी से निकल रही थी तभी बारिश होने लगती है, बट वो एक लड़के का अम्ब्रेला लगने से गिर जाती है और बारिश की वजह से उसकी इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है, जिससे वहाँ खड़े लोगों को एक दूसरे से लव हो जाता है। और वो सब किस कर रहे थे, वो अम्ब्रेला वाला लड़का ही हमारा हीरो सीचोंग है। इनफैक्ट वीवे में सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जब भी उसकी हार्ट बीट फास्ट होती है वो पिकाचू बनके अपने हाथों से ऐसी इलेक्ट्रिसिटी निकालती है जिससे किसी को भी अपने सामने वाले इंसान से फर्स्ट साइड लव हो जाता है, यानी लव इल्यूजन, जिसका असर सिर्फ 24 घंटों के लिए रहता है, बट हमेशा वो अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाती थी, जैसे क्लास में लेट आना और टीचर की डांट सुननी, तो ये सब उसके लिए नॉर्मल था। फिर वो अपनी रूममेट युक्सिन के कैफे में आई थी, तभी उसकी फ्रेंड डेक्सी उसे बताती है कि मुझे फिर से एक लड़के पर क्रश है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब डेक्सी स्कूल स्विमर्स का इंटरव्यू ले रही थी, तभी वहाँ सीचोंग की एंट्री होती है जो स्कूल का सबसे बेस्ट स्विमर है। डेक्सी को तो उसे देखते ही उस पर क्रश हो गया था, इसलिए वो सबसे पहले तो कन्फर्म करती है कि सीचोंग सिंगल है, पर सीचोंग को तो लव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, इसलिए डेक्सी विवे को कहती है कि तू अपनी पावर्स का यूज़ करके उसे मेरा बॉयफ्रेंड बना दे। पर विवे कहती है नहीं, मॉम ने मुझे अपनी पावर्स का यूज़ करने से मना किया है। तो वो कहती है मैं तेरी मसाज क्लास में बचने में हेल्प करूँगी, वरना तेरी सुपर पावर से किसी को चोट भी लग सकती है। तो विवे मान जाती है। विवे अपनी टीचर से अपना फिजियोलॉजी से इकोनॉमी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करने को बोल रही थी, पर टीचर कहती है पहले तुम्हें कम से कम 90% मार्क्स लाने होंगे, तो मैं सोचूंगी, और चली जाती हैं। जैसे विवे गेट खोलने वाली थी तभी सीचोंग भी गेट खोलने लगा था, तो दोनों एक दूसरे को ही पहले गेट खोलने का इशारा कर रहे थे, पर दोनों में से कोई गेट ही नहीं खोलता, तो उन्हें देख सीचोंग का फ्रेंड डिंग गेट खोल देता है। सीचोंग के शूज़ देख विवे पहचान लेती है कि उसे लाइब्रेरी के सामने उसी ने धक्का दिया था, पर वो कहता है अच्छा तुम्ही ने मेरा रास्ता ब्लॉक किया था। पर विवे किसी के धक्के से सीचोंग के ऊपर गिर जाती है, तो दोनों हैरान थे, पूरी क्लास हल्ला मचा देती है किस करने के लिए, तो विवे वहाँ से भाग जाती है। विवे सैड होती है क्योंकि उसे मालूम था कि उसके 90% मार्क्स तो कभी नहीं आने वाले, यानी उसका ट्रांसफ़र भी। जुनजू उसकी रूममेट है जो सोशल फियर की वजह से बहुत कम बोलती है। इधर सीचोंग और उसका रूममेट जिया स्विमिंग ट्रेनिंग कर रहे थे, पर डिंग उन्हें खड़ा देख रहा था क्योंकि वो स्विमिंग में कुछ खास अच्छा नहीं है। तभी विवे वहाँ फिजियोलॉजी मसाज के बहाने से आ जाती है, पर सीचोंग उसे पहचान लेता है, तो विवे वहाँ से जाने लगी थी, पर कोच के कहने पे उसे सीचोंग को मसाज देनी पड़ रही थी। पर जब वो उसके घुटनों को टच करने वाली थी सीचोंग एकदम से उससे दूर होता है, पर गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाता है, तो कहता है तुम मेरे टाइप की नहीं हो समझी, तो मेरा पीछे छोड़ो, और जाने लगा था, पर डेक्सी उसे बातों में उलझाती है ताकि विवे सीचोंग को शौक दे सके। पर विवे की नज़र किसी लड़के पर पड़ते ही वो रुक गई थी, जिससे उनका ये चांस मिस हो गया था। जब सीचोंग की मॉम उसे बहुत सारे स्नैक्स देने आती हैं, तभी वो उसे बताती हैं कि सीचोंग की मेडिकल रिपोर्ट स्कूल में ही रखी है, तो वो भागता है। सीचोंग को भागता देख विवे उसका पीछा करती है। उसका फ्रेंड डिंग उसे पूछता भी है कि वो कहाँ जा रहा है, पर सीचोंग उसे नहीं बताता। विवे डेक्सी को फ़ोन कर वहीं आने को कहती है, तो डेक्सी जल्दी जल्दी मेकअप करने लगती है। इधर विवे सीचोंग का पीछा कर रही थी और अपनी पावर से गेट खोल देती है, पर सीचोंग तो डाटा रूम में अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने आया था। जब उसे शक होता है कि कोई वहाँ पे है, तो वो छुप जाता है और अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर वहाँ से चला जाता है, तो विवे और डेक्सी उसके पीछे पीछे। सीचोंग को देखते ही गर्ल्स उसके पीछे पड़ जाती हैं, पर पिकाचू सूट को देख विवे को एक आइडिया आता है। सीचोंग जैसे ही गर्ल से बचकर निकलता है तो डेक्सी उसके आगे आ जाती है। विवे उसे शॉक देने वाली थी, पर तभी सीचोंग मुड़कर उसका हाथ पकड़ पिकाचू का फेस हटा देता है, जिससे विवे का लव शॉक सीधा सीचोंग के दिल में एंटर हो जाता है
और वो उसे देख स्माइल कर रहा था। पर वीवे हैरान। डेक्सी सीचोंग को आवाज लगाती है तो इसी का फायदा उठा वीवे भाग जाती है, तो सीचोंग भी वहां से चला जाता है। डेक्सी को लगता है कि वीवे का शौक काम कर गया, कि सीचोंग को उससे लव हो गया होगा। पर वीवे थोड़ी टेंशन में लग रही थी। इधर पिकाचू फेस को देख सीचोंग कहता है, जब से उस लड़की को देखा है मेरे हार्ट में कुछ कुछ हो रहा है। नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड से वीवे के बारे में पूछ रहा था, पर वीवे को भागता देख उसके पीछे जाता है। वीवे से पिकाचू फेस गुम हो गया था, इसलिए स्कूल काउंसलर पिकाचू फेस के बदले उससे बहुत सारे पैसे मांग रहा था। तभी सीचोंग वो पिकाचू फेस उसे वापस देकर वीवे को बचा लेता है। सीचोंग को गुस्से में देख वो उसका हाथ पकड़ बाहर ले जा रही थी, पर उसे स्माइल करता देख एकदम उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है, तुमने मेरा पिकाचू फेस क्यों चुराया। वो कहता है, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, पर उल्टा तुम मुझ पे दोष लगा रही हो। क्या तुम ये सब मेरे टेंशन पाने के लिए कर रही हो? वैसे मुझे तुम्हारे करीब होना काफी पसंद है। और वीवे का सिर दीवार से ठुकने से बचा लेता है, तो वो कहती है, तुम्हें लव हो गया क्या? वो कहता है, किससे? वो कहती है, किसी से भी नहीं। और जाने लगी थी, वो उसे डिनर के लिए पूछता है पर वो मना कर देती है। इनफैक्ट वीवे समझ गई थी कि डेक्सी की जगह सीचोंग को उससे लव हो गया, पर डेक्सी को ये बता देती है, मेरी सुपर पावर सीचोंग पर फेल हो गई, पर हम एक नया आइडिया ज़रूर ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम हमारे सेकेंड लीड पेनयांग को देखते हैं, जो क्लास में लेक्चर दे रहा था और वो स्कूल का सीनियर रह चुका है। जब वो डॉक्टर से कुछ पेपर्स लेने आया था, पर तभी सीचोंग उसे डॉक्टर समझकर कहता है, पता नहीं जब से मैं उस लड़की से मिला हूँ मुझे कुछ कुछ होने लगा है, मुझे हर जगह वही दिखाई देती है और उसी के साथ रहने का मन करता है। उसकी पूरी बात सुन पेनयांग कहता है, फिर तो ज़रूर तुम्हें उस लड़की से लव हो गया। अपनी हेल्प करने के लिए सीचोंग उसका थैंक यू करता है, पर फिर उसे पता चलता है कि पेनयांग डॉक्टर नहीं एक स्टूडेंट है। वीवे क्लास में थी तो सीचोंग जाकर उसके पीछे बैठ जाता है, तो वो उसे क्लास ख़त्म होने तक उससे बात ना करने को कहती है। पर क्लास ख़त्म होते ही वो एकदम खड़ा हो कहता है, वीवे मुझे तुम पे क्रश है, तो क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सब स्टूडेंट्स क्लैप करते हुए उसे यस बोलने को कहते हैं। वीवे उसे नीचे बिठाने की कोशिश करती है, पर काम नहीं बनता तो उठ के भाग जाती है और वो उसके पीछे पीछे। वीवे उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ लव इल्यूजन है, कल को तुम्हें लव के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा, पर वो नहीं समझता। तभी वीवे की उसकी मॉम से टक्कर हो जाती है। मॉम के पूछने पे वो कहता है, ये मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड है। वीवे मना कर रही थी, पर मॉम को तो वीवे पहली नज़र में पसंद आ गई थी और वो कहती हैं, हमारे घर डिनर पे चलो, आज मेरा बर्थडे है, और उसे ज़बरदस्ती ले जाती हैं। इधर डिंग जिया को बता रहा था कि आजकल सीचोंग वीवे से फ्लर्ट कर रहा है, पर डेक्सी ये सब सुन गुस्सा हो चली जाती है। वीवे मॉम को बर्थडे विश करती है, डैड उसे सीचोंग की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे, तो मॉम कहती हैं, अभी तो वीवे सीचोंग की क्लोज फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं। वीवे घबरा रही थी, पर मॉम डैड का रोमांस चल रहा था। डेक्सी का फ़ोन आते देख उसे फंदा लगता है। सीचोंग उसके लिए पानी लेने जाता है, पर उसके घुटने में चोट लग गई थी, तो मॉम उसे अंदर ले जाती हैं। फिर हमें पता चलता है कि सीचोंग के घुटने में काफ़ी टाइम पहले ही सीरियस इंजुरी आई थी, जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए मॉम उसे स्विमिंग से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने को बोलती हैं। पर वो मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर कोच और बाकी सबको उसकी चोट के बारे में पता चला तो वो उसे नेशनल टीम में नहीं जाने देंगे, इसलिए उसने अपनी चोट के बारे में अभी तक किसी को नहीं बताया। मॉम डैड वीवे को बहुत सारे गिफ्ट्स और स्नैक्स देकर उसे फिर से उनसे आते जाते रहने को कह रहे थे। स्कूल पहुँचते ही वो उसे कहता है, मैं तुम्हें जानबूझकर अपने घर लेकर नहीं गया, ये मॉम का आइडिया था। पर वीवे उसकी मॉम के दिए स्नैक्स और गिफ्ट्स लेने से मना कर देती है। वो उसे बार बार लेने को बोल रहा था, तभी पेंगियन वहाँ आ जाता है और वीवे को देखने लगा था। इनफैक्ट पेंगियन वीवे का हाई स्कूल का सीनियर था, पर उसे देखते ही वो चली जाती है। तो पेंगियन सीचोंग से पूछता है, क्या तुम इसी लड़की की बात कर रहे थे? तो वो हाँ करता है। सब लोग वीवे को देख बातें बना रहे थे, क्योंकि उसकी वो फोटो वायरल हो गई थी। तो डेक्सी उसे कहती है, तूने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तेरे और सीचोंग के बीच चल क्या रहा है? वो कहती है, गलती से मेरी पावर्स मुझ पे चल गई, सीचोंग को तेरी बजाय मुझसे लव हो गया। डेक्सी कहती है, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कहती है, क्योंकि तू गुस्सा होती, पर चिंता मत कर, वो कल तक सब भूल जाएगा।
और अब हमें प्लान बी पे काम करना होगा। तो डेक्सी मान जाती है। इधर सीचोंग पेनियन से विवे के बारे में पूछ रहा था ताकि उसे पटा सके। पेनियन उसे बताता है कि विवे हाई स्कूल में एक रेसर थी। पर तुम उससे कब मिले और लव कैसे हुआ? सीचोंग कहता है, पता नहीं, पहले तो वो मुझसे चिपक रही थी, पर अब जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो मुझे दूर रहने को कहती है। मुझे तो उसे देखते ही उससे लव हो गया था। पेनियन कहता है, यानी फर्स्ट साइट लव? तो इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा रेस्ट लो। रात में सीचोंग विवे को क्रिंजी मैसेज कर रहा था, बट वो रूडली रिप्लाई कर देती है। मॉर्निंग में जब सीचोंग उठकर अपने फ़ोन में रात वाले मैसेज देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि वो ऐसी क्रिंजी बातें कैसे कर सकता है। डिंग विवे को भाभी बोल रहा था, तो वो कहती है, मुझे विवे बोलो। ये तुम्हारे लिए, वैसे क्या सीचोंग आज ट्रेनिंग करेगा? तो वो हाँ कर देता है। विवे को देख पेनियन उससे अपने पास्ट में की गई गलती के लिए माफ़ी मांग रहा था, बट वो उठकर चली जाती है। डिंग सीचोंग से विवे के बारे में पूछ रहा था, बट वो कहता है, वो सही कह रही थी, फर्स्ट साइट लव स्टूपिड चीज़ है। नेक्स्ट सीन में डेक्सी डूबने का नाटक करती है और सीचोंग को देख विवे उसे डेक्सी को बचाने को कहती है, पर सीचोंग कहता है, पागल किसे बना रही हो, इतने कम गहरे पानी में कोई कैसे डूब सकता है? और जाने लगा था। वो उसे पूल में धक्का मारती है, बट वो उसका हाथ पकड़ उसे भी पूल में गिरा लेता है। डेक्सी को डूबता देख डिंग उसे बचाने पानी में कूद जाता है। विवे का सीचोंग को एक्सीडेंट किस हो गया था, जिससे उसका शौक उन दोनों को लग जाता है, इसलिए डेक्सी को डिंग से लव हो जाता है। सीचोंग और विवे एक दूसरे को देख रहे थे, पर जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, विवे को देख सीचोंग स्माइल करता है। विवे हैरान थी, यानी उसका प्लान भी उसी पर भारी पड़ गया। और इसी के साथ पार्ट वन का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।